अभी ये ज्ञान दे रहे थे, संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना पढ़ाने वाला कौन? अच्छा, अगर इतना ही दबे हुए थे तो उन्होंने पढ़ कैसे लिया? और इतना ही अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके विरोध में थे तो उन्होंने संविधान कैसे बना लिया? विदेश कैसे चले गए? मान कैसे लिया? और उनको पढ़ाने वाला जो अम्बेडकर सर ने उनको मिला है वो भैया ब्राह्मण थे, तो क्या बोला तूने? दोस्तों, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनके नामकरण के लिए ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाया गया था और उन लोगों ने नामकरण करते हुए उनका भविष्य बता दिया और ये कहा भविष्य में कि यह बालक आगे चलकर एक बहुत बड़ा सन्यासी और बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इतना बता सकते थे कि यह बालक आगे चलकर विद्वान बनेगा तो ये लोग यह क्यों नहीं बताएं कि यही विद्वान बालक आगे चलकर ब्राह्मण धर्म का सत्यानाश करेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन नहीं बताया। दोस्तों, इस तरह की कहानियां मैं अक्सर सुनता हूं और जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये फर्जी है, बकवास है, काल्पनिक लगती है मेरे को, क्योंकि हमने जितना बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में पढ़ता हूं या क्षत्रिय जो महापुरुष थे उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो उनके पीछे किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मणों का माइंड सेट लगा दिया जाता है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको विद्वान बनाया, वरना उनके में तो अकल ही नहीं थी, बुद्धि ही नहीं थी कि वो विद्वान बन सके। क्योंकि जब मैं बाबा साहब के बारे में पढ़ा तो उनके बारे में भी क्या बताया गया कि इनको एक ब्राह्मण नाम का जो टीचर था, जो अध्यापक था, उसने ही इनको पढ़ाया और इनका नामकरण दिया, यानी सर नेम जो अम्बेडकर है वो एक ब्राह्मण अध्यापक का दिया हुआ नाम है। और बुद्ध जी के बारे में तो सुना ही है, और अशोका मौर्य के बारे में जब आप पढ़ते हो तब भी बताया जाता है कि एक चाणक्य नाम का जो ब्राह्मण था उसने ही उनको राजा बनाया, विद्वान बनाया। और यही नहीं, जितने भी आप लिस्ट उठाकर देखें इतिहास में, ठीक है, उनके पीछे किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मण को लगा दिया गया है। मतलब खासतौर पे बाबा साहब के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जो अध्यापक था उसने ही इनको पढ़ाया, इनका नामकरण किया, इसलिए अम्बेडकर जो है कि महान बने। मैं पूछता हूँ कि कक्षा दो में अगर किसी का पढ़ा देने से वो बच्चा PhD, DCA, BSc, LLB, MA अगर बन जाता है तो मुझे लगता है कि कक्षा दो तक तो तमाम ब्राह्मण पढ़ाते होंगे, अपने भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर उनके बच्चे बैरिस्टर क्यों नहीं बन जाते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? अगर नामकरण करने से कोई बालक विद्वान बन जाए तो ब्राह्मण आजकल तो बहुत नामकरण करते फिर रहे हैं, फिर सारे बच्चे अम्बेडकर क्यों नहीं बन जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उनका नामकरण किया इसलिए वो जाकर विद्वान बने, ब्राह्मण ने कक्षा दो में पढ़ाया इसलिए वो विद्वान बने, मतलब क्या मूर्खता है। सोचो, कल्पना करो कि यदि अंग्रेज भारत ना आते तो क्या बाबा साहब पढ़ पाते? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अंग्रेज भारत नहीं आते तो स्कूल ही नहीं होता, गुरुकुल होता, और गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार किसको था ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आर्यन शुक्ला। अच्छा, क्या नाम है आपका? संभव कुमार पाठक। क्या नाम है आपका? लोकू शुक्ला। तो क्या नाम है आपका? गौतम मिश्रा। तो अंग्रेजों के आने की वजह से गुरुकुल की जगह स्कूल बना, और स्कूल जब बना तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार मिला, क्योंकि जब बाबा साहब का एडमिशन कराया जा रहा था उस स्कूल में जिसमें वो पढ़ना चाहते थे, तब ब्राह्मणों ने इस एडमिशन करने से साफ मना कर दिया, लेकिन उनके जो पिता थे, ठीक है, उन्होंने जाकर अंग्रेजों से गुहार लगाई कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है फिर भी यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तब उन्होंने दबाव डाला, तब जाकर उनके बच्चे को पढ़ने दिया गया, यानी अम्बेडकर को पढ़ने दिया गया। उसके बावजूद भी वहाँ पर एक वादा कर दिया गया कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से बाहर बैठाया जाएगा। खैर, वहाँ भी बाबा साहब को बैठाया गया, उनके परछाइयों से नफरत किया जा रहा था, उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। तो तुम कहते हो कि ब्राह्मण ने उनका नाम दे दिया इसलिए वो बहुत बड़े विद्वान बन गए, तो इस तरह अगर देखा जाए तो तुम लोगों को तो पैदा करने वाले इसी जाटो समाज के लोग थे। अगर ये आज पैदा नहीं करते तो तुम शायद पैदा भी नहीं होते, क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि चमाइन जो होती थी वही जो है कि आती थी और बच्चे पैदा करती थी। तो कल्पना करो यार, अगर वो ना आते और बच्चा पैदा ना करते तो शायद तुम लोग आज पैदा ही नहीं हुए होते। तुम आज अपने आप को बहुत बड़े विद्वान भी ना समझते, ना योद्धा समझते, ना जाति के नाम पर इतना लोगों का दमन करते, समझ रहे हो बात को। और दूसरी पॉइंट, अगर इस तरह तुम योगदान की बात करोगे कि नामकरण कर दिया, कक्षा दो में पढ़ा दिया इसलिए वो बहुत बड़े विद्वान बन गए, तो मैं पूछता हूँ कि जिंदगी भर मजदूरी करके खेत जोत कर खेतों में फसल उगाया, तुम्हारे घर हमने बनाए, तुमको पाला पोछा भी हमारे ही समाज के लोगों ने, तुम्हारी बहन बेटियों की डोलियाँ उठाई हमारे
समाज के लोगों ने, यानी तुम्हें इतना ऊपर ले जाने का सारा श्रेय तो हमें मिलना चाहिए कि हमारी वजह से आज तुम्हारा अस्तित्व है, वरना तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता भारत में। तो तुम हमारे योगदान को भूल जाते हो, जबकि हमने तुम्हें सर पर लेकर ढोया तो तुम इसे भूल जाते हो। अब तुमने नाम दे दिया, इसको बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि बता रहे हो, मतलब ऐसे जैसे लोग लुटेरे लोभी हमने आज तक नहीं देखा भाई, आज तक नहीं देखा।